96 किलो गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पिथौरा पुलिस की कार्रवाई। पिथौरा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास मुखबिर की सूचना से पेट्रोलिंग पार्टी जानकारी मिली कि उड़ीसा से गांजा आ रहा है। चेकिंग के दौरान वर्णा हुंडई गाड़ी में ड्राइवर से पूछताछ करने पर बताया, उड़ीसा से रायपुर गांजा छोड़ने का मुझे 5,000 दिया गया है। आरोपी बसना का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध 20 NDPS के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी बसना साकरा दो थाने से बचाकर गांजा तस्करी कर रहा था। पिथौरा पुलिस की सक्रियता के चलते गांजा पकड़ने में सफलता मिली। उड़ीसा से गांजा खरीद कर अन्य राज्यों में 10 गुना अधिक कीमतों में बेचा जाता है, जिसके चलते लगातार उड़ीसा से गांजा परिवहन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। जबकि बॉर्डर एरिया में नाका लगाकर सभी गाड़ियों को चेक किया जाता है, फिर गांजा गाड़ी कैसे पार हुई, देखना यह होगा कि बड़े अधिकारी बॉर्डर पर बैठे कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। गांजे की आरोपी के बताए अनुसार गांजा करीब 3 से 5 हजार के रुपए में खरीदा है, तो इस तरह 96 किलो गांजा हुआ तो 8 हजार के अनुमान मान से करीब 7,68,000 का गांजा होता है। तो पेट्रोलिंग में रवाना हुए थे, मुखबिर को सूचना मिली थी कि व्यक्ति अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए उड़ीसा से रायपुर की ओर जा रहा है। इस सूचना की मुखबिर पंचनामा बना के स्टाफ यहां से उप निरीक्षक ध्रुव और अन्य थाना के स्टाफ रवाना हुए थे। कसीबारा मोड़ के पास संदिग्ध कार जो बताया गया था मुखबिर द्वारा वो दिखा, जिसे रोक कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उड़ीसा से यह गांजा लेके रायपुर की ओर छोड़ने जा रहा था। जिसे चेक किया गया, उसे मौके पर कार्रवाई की गई, तो गांजा में अवैध रूप से 96 किलोग्राम गांजा भरा हुआ था, जिसे विधिवत कार्रवाई किया जाकर आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, आरोपी पहले भी किसी प्रकरण में पकड़ाया है? आरोपी का पूर्व रिकॉर्ड तो नहीं है, पूछने पर भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इससे ऐसा प्रतीत होता है ड्राइवरी का काम करता है। ये कहीं न कहीं इसका वहाँ से साठ गांठ है, जो पैसे के लालच में ये लेके गांजा का और तस्करी करता है। पिथौरा से राजा बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट। देखते रहिए CGVision TV।